हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट इज एटीपी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी एंड फंक्शन ऑफ एटीपी के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एटीपी, एटीपी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एटीपी इज अ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। एटीपी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जो कि फॉस्फेट ग्रुप कैरी करता है और ये फॉस्फेट ग्रुप हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। सो ये एटीपी का स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे ये जो फॉस्फेट ग्रुप दिखाए गए हैं, तीन फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होते हैं और ये ब्रेकडाउन होते हैं यहाँ पे और ये फॉस्फेट रिलीज होता है और यही हमें एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, एटीपी का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है या स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी भी बोल सकते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए एडिनिन बेस जुड़ा होता है टॉप पे, एडिनिन बेस से राइबोस सुगर अटैच्ड होता है और इस राइबोस सुगर से फॉस्फेट ग्रुप, तीन फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है। अब ये जब भी हमें सेल्स में या ऑर्गेनेल्स में या किसी भी बॉडी पार्ट में एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ये एटीपी ब्रेकडाउन होता है यहाँ से और ये फॉस्फेट रिलीज हो जाता है और ये हमें एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। व्हाट डज एटीपी डू फॉर यू, आपके लिए एटीपी की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या करता है एटीपी आपके लिए। इट सप्लाई यू विथ एनर्जी, आपको जब भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो चाहे वर्कआउट करने के लिए या किसी सेल फंक्शन करने के लिए या कोई भी सिस्टम में फंक्शंस होता है तो उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो एटीपी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। हाउ डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम एटीपी, एटीपी से एनर्जी हमें कैसे मिलता है। सबसे पहले देखिए बाय ब्रेकिंग द हाई एनर्जी बॉन्ड बिटवीन द लास्ट टू फॉस्फेट इन एटीपी, एटीपी का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखिए, एटीपी का स्ट्रक्चर यहाँ पे हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए एडीपी में कन्वर्ट हो गया और फॉस्फेट रिलीज हो गया हमारा। व्हाट डू यू नीड टू ब्रेक डाउन एटीपी, एटीपी को ब्रेक डाउन करने के लिए जरूरत क्या पड़ी, क्या जरूरत पड़ेगा, कैसे ब्रेक डाउन होगा ये हम देखते हैं। देखिए एटीपी को ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, वो एंजाइम एटीपीएज होता है। ठीक है, यहां पे देखिए एटीपीएज एंजाइम यहां पे यूज होता है, एटीपीएज यहां पे यूज हो रहा है और ये क्या करता है एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट कर देता है और यहां पे फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये फॉस्फेट एनर्जी फॉर सेल के लिए चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डू यू नीड टू मेक एटीपी, आप एटीपी को बनाएंगे कैसे, बनेगा कैसे एटीपी। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो रिवर्सल प्रोसेस होता है, एटीपीएस का रिवर्सल होता है, जब एटीपी जो ब्रेकडाउन हुआ था वह उसी तरह से एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होगा। यहां पे एक दूसरा एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम है एटीपी सिंथेटाइज, एटीपी सिंथेटाइज इस पॉइंट पे यूज होगा, एटीपी सिंथेटाइज। ठीक है, और ये क्या करेगा एडीपी को कन्वर्ट कर देगा एटीपी में। ठीक है, यहाँ पे एटीपी फॉस्फेट के साथ बाइंड होगा और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कंप्लीट देखते हैं द एडीपी एटीपी साइकिल, समराइज कर लेते हैं। यहां पे देखिए एटीपी फॉस्फेट रिलीज हो रहा है, यहां पे फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा, यहां पे देखिए एक मिनट रुक जाइए, फॉस्फेट यहां पे रिलीज हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए एटीपीएज एंजाइम यूज हुआ, एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा,
फिर यहाँ पे एडीपी फॉस्फेट अटैच होके एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा एटीपी सिंथेटाइज यूज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए व्हाई इज एटीपी कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये फॉस्फेट ग्रुप हाई एनर्जी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स कैरी करता है, इसलिए हम इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। जब भी सेल्स की जरूरत नीड होती है एनर्जी की, एटीपी स्टोर फॉर्म में रहता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। जैसे हम बैंक में पैसे रखे रहते हैं, जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम पैसे निकाल लेते हैं, उसी तरह से सेल्स में, ऑर्गेनेल्स में एटीपी स्टोर रहता है, जब भी हमें जरूरत पड़ती है वहां से हम एनर्जी ले लेते हैं, इसलिए करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। अब एटीपी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे होता है? रिस्पायरेशन के टाइम ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होता है, आपको पता होगा। ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है, ग्लूकोज से पाइरुविक एसिड बनता है, उसमें 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। फिर ये पाइरुविक एसिड जो होता है क्रेब्स साइकिल में चला जाता है और क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन मिलके 36 ATP का फॉर्मेशन करते हैं। यहां से क्लियर है? When is ATP made in the body? तो ये whole process हुआ आपका ATP formation में। अब देखिए complete ATP कैसे बनता है, ये process समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए sunlight को trap किया chloroplast, chloroplast में photosynthesis होता है, photosynthesis हुआ, यहाँ पे glucose molecule का formation हो गया। ठीक है, अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में आया, माइटोकॉन्ड्रिया साइट होता है सेल रिस्पायरेशन का, यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल या फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हुआ और एटीपी रिलीज हो गया, एटीपी बन गया और बाकी CO2 और H2O का फॉर्मेशन हुआ। फिर से ये प्रोसेस करके क्लोरोप्लास्ट में गया, एनर्जी लाइट ट्रैप किया और ये फोटोसिंथेसिस हुआ। सिमिलर ये प्रोसेस होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी का मेन फंक्शन क्या होता है? एटीपी का मेन फंक्शन तो एनर्जी सप्लाई है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ जरूरत पड़ती है एटीपी के सेल ऑर्गेनेल्स में, बॉडी में, सेल सिस्टम में, सेल को फंक्शन करने में। तो फंक्शन ऑफ एटीपी इन फिजियोलॉजिकल सिस्टम, सबसे पहले तो एनर्जी सप्लाई। एनर्जी सप्लाई सबसे नीडेड फंक्शंस है। दूसरा है मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में एटीपी की जरूरत पड़ती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसे मान लीजिए कोई भी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं उनके ट्रांसपोर्ट में एक एटीपी की जरूरत पड़ती है। सेल सिग्नलिंग में जरूरत पड़ती है, डीएनए आरएनए सिंथेसिस में क्या बोलते हैं आपका एटीपी की जरूरत पड़ती है, न्यूरो ट्रांसमिशन में आपको एटीपी की जरूरत पड़ती है। सो ये टोटल इन्फॉर्मेशन अबाउट ATP है। आई होप कि आपको, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच।